आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इजी सैंडविच की रेसिपी। ये काफ़ी हेल्दी है, आप इसको अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन में 1 चम्मच बटर डालूंगी। इसमें 2 चम्मच कटा हुआ लहसुन डालूंगी। लहसुन हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न। एक मिनट के लिए स्वीट कॉर्न को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई पालक। यहाँ पे मैंने जितना स्वीट कॉर्न लिया है उसका डबल पालक लिया है, यानी कि 2 कप पालक है। पालक इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि ये पकने के बाद एकदम कम हो जाता है। 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर फ्राई होने देंगे। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये पालक का कच्चापन है वो निकल जाए। ये देखिए सब्जी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, अब इसको साइड में रख देंगे। अब सेम पैन में मैंने 2 चम्मच बटर डाला है। बटर जब मेल्ट हो जाए तब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर चलाते रहना है। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए इसमें मैंने सारा दूध ऐड कर दिया है। दूध को धीमी आंच पर हम मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें मैं चीज के 2 स्लाइस ऐड करूंगी। चीज मेल्ट होने तक और थोड़ा इसको कुक कर लेंगे। चीज जब मेल्ट हो जाए तब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ओरिगेनो, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए वाइट सॉस बनकर एकदम तैयार है। अब इसके अंदर मैं फ्राई की हुई सब्जी ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो ये सैंडविच बनाकर आप खिलाएंगे तो जरूर पसंद करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। ये देखिए सैंडविच की स्टफिंग बनके तैयार है। अब मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड की स्लाइस ली हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मैंने सैंडविच की स्टफिंग बनाई थी वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी।
अब एक तवे के ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। अब ब्रेड को दोनों तरफ से सेंकना है बटर लगा के। धीमी आंच पर ही सैंडविच को टोस्ट करें। अब मैं दूसरी साइड भी बटर लगा देती हूँ। इसको पलटकर दूसरी साइड से भी सेंक लेते हैं। ये देखिए एक साइड से गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है। ये देखिए सैंडविच दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुका है। अब इसे सर्व करते हैं। मैं एक सैंडविच को कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रीमी और टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इस सैंडविच की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी।